Oh, Baba, I'm finally here. ऐसे मुझे पता है कि आखिर कैसे चलेगा। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। अब तो आवाम भी कहती है, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो पहचानते हैं, कहते हैं डॉक्टर फिजा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहे। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब आवाम के मुंह से भी हमारे प्रोग्राम के अल्फाज निकलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। उस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पेंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा सिंपल सवाल है, अगर ऐसे चलेगा तो फिर आखिर ऐसे कब तक चलेगा। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम था। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने जो हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं हमारे देश में जो रिवेन्यू जनरेट करते हैं उनको सम्मानित किया है। और इसमें भी एक बड़े मजे की बात है, सम्मानित कर रहे हैं हमारे पीएम, सम्मानित हो रहे हैं हमारे देश के क्रिएटर्स। लेकिन भाई साहब, जल कौन रहे हैं, भून कौन रहे हैं? वो है हमारे पड़ोस में रहने वाले नजर बट्टू, पाकिस्तानी। तो इसी मुद्दे पर हमारे आलोक रंजन सर ने विवेचना बनाई है, काफी अच्छी, तो चलिए सुनते हैं। पीएम मोदी मीट्स आरजे रौनक, टेक्निकल गुरुजी एंड टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, पाक मीडिया क्राइम। जी हाँ, तो भाई नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स दिए गए हैं और ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पर क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए हैं। और ये वो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब और बाकी फेसबुक और बाकी जगहों पर कंटेंट बना रहे हैं, भारत को रेवेन्यू दिला रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था। और सोचिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि जो लोग डिजिटल इंडिया को समझ गए हैं और डिजिटली इंडिया को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं रोज़गार के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है, आपको आइडिया नहीं है। और दूसरे तरफ पाकिस्तान जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बातें करता है, यूट्यूब बैन कर दो, फेसबुक बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। हमने सोशल मीडिया की पावर को पहचाना और आप देखिए पिछले 3 से 4 साल में हमने क्या ग्रो किया है। सोशल मीडिया से हम कमाई कितनी कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम कितनी कमाई कर रहे हैं। मैं एक शायद इकोनॉमिक टाइम्स का था या किसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो हमारे डिजिटल कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, आपका और भी जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब मिलकर आपको पता है कि इंडिया में कितने का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2023 में $8.8 बिलियन का रेवेन्यू इन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स ने जनरेट किए हैं भारत के लिए, $8.8 बिलियन। इसमें YouTube भी है, Amazon भी है, Netflix भी है और भी जितने हमारे डिजिटल कंटेंट के, Facebook भी है, सब कुछ है। और पाकिस्तान इस समय $8 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है IMF के आगे। पूरे पाकिस्तान को $8 बिलियन का पैकेज चाहिए कि भैया दे दो दे दो दे दो दे दो। और हमारा कंटेंट क्रिएशन, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मार्केट है, उसने $8.8 बिलियन कमाए हैं 2023 में और ये लगातार बढ़ रहा है। शायद इस साल वो $10 बिलियन क्रॉस कर जाएगा 2024 में। आप समझ रहे हैं, $8.8 बिलियन, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। कि YouTube, Facebook, Instagram, सोशल मीडिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोई भी इलाका हो वहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। आप कोई दो कश्मीर के बड़े इन्फ्लुएंसर बता दें जो सोशल मीडिया पे नजर आते हो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जहाँ तक तो रही बात कश्मीर की, कश्मीर में मोस्टली हमारा ये होता है, यहाँ की प्रॉब्लम है नेट की। ठीक है, नेट ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जो करना चाहते हैं जो नहीं कर सकते। टैलेंटेड लोग बहुत हैं हमें, ठीक है, मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लड़के में देखता हूँ मोस्टली टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन वायरल ना होना, मतलब कोई व्लॉग कर रहा है यूट्यूब पे, उसमें तरह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमारी सर्विस का इशू है। दूसरा ये है कि मैं एक हॉस्पिटल से, मेरा कनेक्ट हूँ अल-शिफा से, हम कैंप करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पे कैंप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह कहीं भी नहीं है। इस बात में तो कोई शक नहीं है, आप ना भी कहें पूरी दुनिया में पता है कि भाई जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत है तो वादी कश्मीर है, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का, खूबसूरती के लिहाज से तो कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वहाँ इंडिया साइड की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंसर भी हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि उनके
तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी वो जो है वो नेशनल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी कोई सेरेमनी रखी और वहाँ पे बड़े ऐसे यूट्यूबर थे जिन्हें अवार्ड दिया गया, चाहे टेक्निकल गुरु जी आप तो जानते होंगे वो जो है टेक्निकल मोबाइल वगैरह के हवाले से बताते हैं, क्या समझते हैं देखते हैं हम उन इंडिया के हैं मतलब मोटिवेशन वीडियोज भी वहाँ की देखते हैं, हमें भी यहाँ पे तो होना चाहिए। बिल्कुल यू आर राइट। देखिए हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं, ठीक है, हालांकि ये चीज मीडिया की ये सोशल एक्टिविटी जो है सारी हमारी होनी चाहिए, हमें अपनी लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है की नेट का इशू, टैलेंट में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा ये नेट की वजह से, नेट का इशू है, ये बिल्कुल बेसिक इशू है कि भाई देखें अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, ये भाई हैं ये अपना चैनल बनाना चाहें या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो चाहे कश्मीर का हो या किसी भी पाकिस्तान के एरिया का हो वो कैसे आगे आ सकता है। और फिर बड़ी बात हमें तो अब खबर ये आ रही थी कि भाई यूट्यूब ऐसे ही पूरे पाकिस्तान से बैन कर दिया जाएगा, शायद आपने भी सुना हो, और 2012 से 16 तक बैन रहा भी है यूट्यूब, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है हमारा यहाँ तक ये है कि एक्टिविटी मोस्टली लड़कों में यंग जनरेशन में आती है टिकटॉक मोस्टली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बनाने की व्लॉग्स बना रहे हैं हमारी जो है बॉर्डर एरिया पे मोस्टली लोग में मैंने देखा है वो व्लॉग बनाते हैं, पाबंदियां भी हैं उस साइड से लोग आते हैं वो तो बड़ा व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं जाते हैं, हमारा ये है कि हमें मुझे तो मौका मिलता है, मैं बहुत बार गया हूँ आगे वहाँ पे, ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता चेकिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्निकल वीडियो देखनी हो, कौन से इंडिया की वीडियो देखते हैं या पाकिस्तान की, सच बताइएगा। मैं इंडिया की देखता हूँ, ठीक है। आपने कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी हो कहाँ की देखते हैं, वो भी इंडिया की। आपने कोई अगर लेट्स सपोज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी हो कहाँ की देखते हैं, मैं तो तारक जमील साहब को सुनता हूं। अच्छी बात है, चले एक यहाँ से इन्फ्लुएंसर है दो, लेकिन आपने वहाँ से, और मोस्टली लोग जो टेक्निकल के हवाले से एजुकेशन के हवाले से देखते हैं कहाँ से देखते हैं ज्यादातर आपके ख्याल? हमारा जो शोब है मेडिसिन ये है ना, तो मेडिसिन इंडिया में 70% जो दुनिया में इस टाइम मेडिसिन चल रही है वो इंडिया में है। अच्छा, तो दुनिया के चौथा या पांचवा मुल्क है जो जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, ठीक हो गया, और हैं तो वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ऐसा ही है। तो हम ज्यादा क्योंकि मोटिवेशन उन्हीं के सुनते हैं, डिस्पेंसर जो भी मतलब हमारी मेडिसिन की होती है तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, मतलब इंडिया को देखते हैं, ठीक है। उसकी रीजन भी ये है ना कि भाई एक तो ये है कि उनके काम में थोड़ी क्वालिटी नजर आती है, और सेकंडली ये सीखने को चाहे आपको कहीं से भी मिला हो, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो हमें ये नहीं देखना चाहिए नहीं जी ये तो इंडिया का चैनल ऐसे नहीं देखेंगे। और फिर बड़ी बात, जब हमारे खुद यहाँ पे चीजें नहीं होंगी, इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मौजूद नहीं होंगे, हम आपको नहीं लगता बहुत पीछे चल रहे हैं मतलब इंडिया से 10-20 साल सोशल मीडिया के हवाले से पीछे चल रहे हैं? देखें इंडिया तो हमारा जो कश्मीर है, हम कश्मीर की बात करते हैं ताकि हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, हमारे तरक्की के, हालांकि यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं इसमें तो कोई शक, इतने टैलेंटेड हैं हर एजुकेशन के हिसाब से, हालांकि हमारी वो जो है अभी यंग लोग जो हैं मोस्टली ये हैं बहुत टैलेंटेड, ठीक हो गया, टैलेंटेड हैं, लेकिन वो टैलेंट आगे किसने लाना है? आपने बोला 70% जो मेडिसिन है वो इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान में भी जो मेडिसिन यूज हो रही है वो इंडिया से, मोस्टली इंडिया में, लेकिन इंडिया में पाबंदी यहाँ पे क्योंकि वो वाया दुबई आ जाती है, दुबई से, हाँ, तो इंडिया से यहाँ पे लेके आ नहीं सकते, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी जो होती है मोस्टली यूके की होती है, लेकिन दुनिया भर में जो चल रही है 70% इंडिया की, और यही अगर रिलेशन बेहतर हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज इंटरनेट के हवाले से कि यहाँ पे मोस्टली कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है, इंटरनेट तो इंटरनेट है, मोबाइल सर्विस नहीं है, सिम सर्विस नहीं है। अच्छा, यहाँ जो इस साइड पे कश्मीर है पाकिस्तान साइड, उसमें और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या फर्क आपको नजर आता है? फिर आपसे देखें अभी यहाँ तक यह है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ पे जगह जगह पे रोड पहुंची हुई है, हर रोज घूमने की सैर तफरी की जगह वहाँ पे रोड पहुंची है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, मैं मोस्टली हम पैदल वॉक करके जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, वहाँ पे रोड ना होना भी एक बड़ी रीजन है, ठीक है। और आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही रहेगा तो 10-20 साल बाद तो उनके साइड का कश्मीर बहुत आगे, अभी भी अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमें काफी चीजें ऐसी खबरें आती हैं कि वो काफी डेवलपमेंट की, तो 10-20 साल बाद तो वो बहुत आगे हमारा हम बहुत पीछे चल रहे हैं, इस हिसाब से हमारा कश्मीर बहुत पीछे है, इस पे वर्क करने की जरूरत है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।